एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रिन और आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू रिव्यू प्रोडक्ट फ्रॉम द के ब्यूटी लाइन। नाउ के ब्यूटी इज अ रीसेंट मेकअप ब्रांड विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय कैटरीना कैफ एंड हम इंडियंस बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कैटरीना कैफ को। एंड शी हैज लॉन्च्ड 5 to 6 मेकअप आइटम्स इन हर प्रोडक्ट लाइन। आईज के रेंज में कैटरीना हैज लॉन्च्ड 3 पेंसिल्स। वन इज देयर काजल, वन इज देयर स्मजर वाला काजल एंड वन इज दिस जेल आई लाइनर। आई गॉट द के ब्यूटी इंक आर्टिस्ट जेल काजल। नाउ दिस वन डिटेल्स फॉर ₹450 एंड इट इज लाइक अ जेल काजल इन द फॉर्मैट ऑफ अ पेंसिल। द पेंसिल लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड यू कैन गेट लाइक अ आउटर कवरिंग। द आउटर कवरिंग इज अ प्लेन सिंपल कार्डबोर्ड बॉक्स, वेरी मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग, नथिंग टू फैंसी और नथिंग टू ओवर द टॉप। द आउटर पैकेजिंग हैज लाइक ऑल द नेसेसरी डिटेल्स दैट यू वुड रिक्वायर। तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि एक जेल फॉर्मूला वाटर प्रूफ ऑल डे वेयर काजल है। ये एफर्टलेसली ग्लाइड कर जाएगा एंड ये जो काजल है दिस इज एनरिच्ड विद कैमोमाइल एंड सेरामाइड। नाउ यू गेट 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ये इसका एक्सपायरी डेट 3 ईयर्स का है, विच इज अ गुड थिंग। द एक्चुअल काजल पेंसिल लुक्स समथिंग लाइक दिस, वेरी स्लीक पैकेजिंग, वेरी मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग। के का एक होलोग्राम है जो पूरे बॉडी में प्रिंट हुआ हुआ है एंड बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपको जो शेड नेम है विच इज ऑनिक्स वो दिख जाएगा, वेरी स्मॉल एंड बहुत ईजिली मिस हो सकता है। नाउ दिस इज अ नॉन रिट्रैक्टेबल पेंसिल, यानी कि आपको इसे शार्प करना पड़ेगा एंड द काजल लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस प्रोडक्ट आई विल रिव्यू इन कंपेरिजन विथ द मेबेलिन लास्टिंग ड्रामा वाटर प्रूफ जेल पेंसिल, क्योंकि ये मेरा फेवरेट जेल पेंसिल है एंड ये बहुत ही कमाल का एक जेल पेंसिल है। सो I will see whether this matches to this one or not. So first let me talk about the formula and pigmentation. I will just swatch it. So this is one swipe of the kajal. So you can see ki bahut hi acche tarike se jet black pigmentation hai and jab aap ise build karte ho to iska color kuch is tarike se aata hai, bahut hi jet black pigmentation hai and when I was sliding through मुझे फील हुआ कि ये बहुत ही स्मूथ क्रीमी एक टेक्सचर है। साइड बाय साइड मैं मेरा जो मेबेलिन वाला काजल है इसको स्वॉच करूंगी जस्ट टू सी हाउ मच मोर ब्लैक इज दिस। सो ये जो है मेरा मेबेलिन वाला काजल है एंड ये कैटरीना के ब्यूटी वाला है, ये थोड़ा ज्यादा मुझे पिगमेंटेड लग रहा है द मेबेलिन वन, बट दिस वन ऑल्सो हैज डन लाइक अ गुड जॉब। इसका पिगमेंटेशन उतना भी खराब नहीं है। क्रीमीनेस या फिर स्मूथनेस की अगर हम बात करें तो दोनों का ही सेम है। नाउ दे से दैट इट इज अ स्मज प्रूफ फॉर्मूला एंड आई विल सी वेदर इट स्मजेस और नॉट राइट नाउ। सो वेरी लिटिल इट हैज स्मज्ड एक्चुअली। यू कैन सी यहाँ पे भी मेरे फिंगर पे थोड़ा बहुत स्मज हुआ है। आई गेस इसे 30 सेकेंड्स या अ मिनट देना पड़ेगा सो दैट इट कम्प्लीटली ड्राइज ऑफ एंड देन आई थिंक ये पूरा बिल्कुल ही स्मज प्रूफ हो जाएगा। आई एम गोइंग टू डू लाइक अ वेयर टेस्ट विद दिस काजल। मैं देखना चाहती हूँ कि ये कितना लॉन्ग लास्टिंग है, क्योंकि ये लोग मेंशन किए दिस इज अ ऑल डे वेयर विच इज लाइक 12 to 18 आवर्स एंड आई विल इंसर्ट द क्लिप्स हियर जस्ट सो दैट यू गाइज कैन सी हाउ दिस काजल फेयर्स। Good morning, so it's 8:45, you can see by the clock and I've just applied the kajal all over my upper eyelids and I've applied like a pretty thick layer and this is going to be on my eyes for the full day today and I'm going to give you guys check-ins to see how it fares. A quick check-in, the time is 4:08 PM now, so it's almost like 8 hours since I applied the kajal and it's still intact. I still don't see any smudging, I still don't see any bleeding and my eyelids are pretty oily as well. Still I could not see any spillage and it's pretty good actually. So yeah, let's see how it fares for another 5-6 hours. So this is my final check-in. The time is 10 PM and I am still having the eyeliner. तो 14 आवर्स हो चुके हैं मुझे इस आई लाइनर को अप्लाई किए हुए एंड टिल नाउ आई विल से कि आई एम इम्प्रेस्ड। इफ़ यू सी माई आईलिड्स कलर अभी भी है,
ब्लीड नहीं हुआ है, कहीं भी स्मज नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे जो ऊपर वाला पोर्शन है मैं देख सकती हूँ कि थोड़ा सा जो है कलर फेड हुआ है. एंड आई थिंक इट्स ओके, यू नो, लाइक 14 आवर्स अगर ये रिजल्ट है इसका तो आई एम प्रिटी हैप्पी विद इट एक्चुअली. ये जो काजल था काफ़ी अच्छा काम किया, ऑलमोस्ट पूरे दिन बहुत अच्छे तरीके से था. एंड दिस इज लाइक अ स्मज प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग काजल. प्राइस पॉइंट आई विल से इज ओके, क्योंकि ये शार्पनेबल प्रोडक्ट है, इट डज बच मी अ लिटिल, क्योंकि आपको शार्प करना पड़ेगा एंड शार्पनिंग से थोड़ा बहुत प्रोडक्ट वेस्टेज तो होता ही है. एंड अनदर थिंग इज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी शार्पनर विद दिस प्रोडक्ट. दिस प्रोडक्ट इज फॉर 450 एंड आई वुड बी हैप्पी अगर मुझे शार्पनर भी इसके साथ फ्री मिलता. लेकिन मैंने चेक किया, के ब्यूटी का अपना शार्पनर भी है विच इज़ लाइक फॉर 200 रुपीज. आई डोंट गेट द जस्टिफिकेशन, मेरा जो शार्पनर है मैं वही यूज़ करूँगी, लेकिन अगर इसके साथ मिलता देन आई वुड हैव गिवन इट वन मोर स्टार. सो ओवरऑल मैं बोलूँगी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर लाइक अ मिड रेंज जेल पेंसिल, यू कैन ट्राई दिस वन. आई वोंट से दिस इज लाइक द बेस्ट आउट देयर, क्योंकि इन कंपेरिजन टू मेबलिन, द मेबलिन वन फेयर्स बेटर एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ पिगमेंटेशन एंड ओपेसिटी एंड लास्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ. बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड. दिस इज फॉर लाइक 475 रुपीज, दिस इज फॉर 450 रुपीज. तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हो. सो दैट इज ऑल फॉर द रिव्यू ऑफ द के ब्यूटी इंक आर्टिस्ट जेल पेंसिल. आई होप यू गाइज लाइक्ड द रिव्यू. मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन था, मुझे पसंद आया प्रोडक्ट. अगर प्राइस पॉइंट थोड़ा कम होता और अगर मुझे एक शार्पनर मिलता देन आई वुड हैव गिवन लाइक अ 5 out of 5, बट आई एम गिविंग इट लाइक अ 3.5 to 4 out of 5 stars इफ यू आस्क मी. आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पे आपको सारे नेसेसरी लिंक्स मिल जाएंगे. इफ यू लाइक वॉचिंग दिस वीडियो गिव मी अ थम्स अप. आई एम ऑल्सो गोइंग टू बाई द के ब्यूटी मैटिनी लिप क्रेयॉन, एंड अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसका भी रिव्यू करूँगी चैनल में. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड मेक श्योर यू फॉलो मी इन ऑल माई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर. उसका भी सारा लिंक आपको नीचे मिल जाएगा. एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो फ्रॉम माई साइड. एंड आई विल बी सीइंग यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय.